हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है आप सभी का। कैसे हो फ्रेंड आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय भोलेनाथ अवश्य ही लिखें। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति के लक्षण बताऊंगी जो कि आप पता कर सकते हैं घर में ही आसानी से। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वह लड़का है या लड़की। गर्भवती जो महिला होती हैं उनके 3.5 महीने के बाद काफ़ी सारे सिम्टम्स जो हैं दिखाई देने लगते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो आने लगते हैं और उनसे अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। पता बहुत ही मुश्किल से लगाया जाता है कि किस प्रकार से आप जानें, क्योंकि काफ़ी सारे सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं। तो आपको मैं 5 लक्षण बताऊंगी, सटीक 5 लक्षण बताऊंगी जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका होने वाला बेबी लड़का ही है, जो कि मेरे साथ भी यही हुआ था। और जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, गर्भवती जो महिला होती हैं उनको 3.5 महीने के बाद सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, नज़र आने लगते हैं। उससे पहले कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है आपको। सबसे जो पहला लक्षण है और ये जो लक्षण हम आपको बता रहे हैं ये 100% सही नहीं होते, लेकिन 95% ही बिल्कुल सटीक बैठते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो लक्षण है गर्भवती महिला का सोना, आप सोने से जान सकते हैं कि गर्भवती महिला अगर ज़्यादा सोती है, ज़्यादा नींद उसको आती है, आलस आता है उसको, काम करने का दिल नहीं करता है, तो वह लड़की होती है। उसके घर में पलने वाला जो बच्चा है वह लड़की है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं अगर उसको नींद नहीं आती है और एनर्जी मतलब रहती है, फुर्ती रहती है, काम करने का दिल करता है, आलस नहीं आता है, वहीं ये लड़का होने का लक्षण माना जाता है। दूसरा जो लक्षण है पेट से जान सकते हैं। पेट जो होता है, जो लंबा जो पेट होता है आगे को जिसका वेट होता है उससे आप जान सकते, जैसे उभरा हुआ होता है तो वह लड़की होने का लक्षण माना जाता है। वहीं अगर पेट चपटा पेट जिसको बोला जाता है, चपेट में होता है पूरा फैला हुआ, वह लड़का होने का लक्षण माना जाता है। तीसरा जो मेरा लक्षण है नाभि के नीचे लाइन, नाभि लाइन जिसको बोला जाता है, वैली लाइन, वह एकदम डार्क हो जाती है। लड़का के टाइम पर वह जो लाइन होती है बिल्कुल डार्क हो जाती है और लड़की के टाइम पर वह डार्क नहीं होती है। तो लड़का होने का ये भी एक लक्षण माना जाता है। लड़के के टाइम जो नाभि लाइन हमारी होती है वो पेट के नीचे, आप मिनर के सामने खड़े होकर के देखें आपको नज़र आएगी, वह बिल्कुल डार्क हो जाती है। चौथा जो मेरा लक्षण है वह आप खाने से जान सकते हैं कि गर्भवती महिला जो है अगर उसको खाना जैसे बनाते हैं उसमें से रोटी बनाते हैं आटे में से स्मेल आती है या प्याज लहसुन में से स्मेल आती है, वह लड़का होने का लक्षण माना जाता है। वहीं अगर मीठा पसंद है खाने में, मीठा अच्छा लगता है, खट्टा अच्छा नहीं लगता है, मीठा खाने का दिल करता है, तो ये लड़का होने का सटीक लक्षण माना जाता है। पांचवा और आखिरी मेरा जो लक्षण है, लास्ट लक्षण है, वह आप जान सकते हैं सिर, यानी कि जो लड़का के टाइम पर हमेशा सिर दर्द बना रहता है, लड़के के टाइम पर सिर में दर्द रहता है और वह नॉर्मली होता ही रहता है पूरे 9 मंथ तक, तो आप इससे जान सकते हैं। ये जो मैंने लक्षण बताए हैं ये मैंने अपने अनुभव के हिसाब से बताए हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताए हैं आपको। इनमें से अगर आपको 3 लक्षण भी मैचिंग होते हैं, सटीक बैठते हैं, तो आप जान सकते हैं कि आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वह लड़का ही है। दोस्तों, मेरी जानकारी वीडियो आपको पसंद आई तो आगे शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।